पिछले 2 दिनों से मैं पोको X3 Pro यूज कर रहा हूँ और एक लाइन में अगर इस फोन का रिव्यू किया जाए ना, ये फोन पबजी लवर्स के लिए इस प्राइस सेगमेंट में बेस्ट है। इस प्राइसिंग में आज के डेट में आपको इससे अच्छा कोई फोन नहीं मिलेगा गेमिंग के लिए। मेरे जैसा नो प्लेयर भी TDM मैचेस में टीम में सबसे ज्यादा किल्स ले रहा है, और वो भी एक में नहीं ऑलमोस्ट सारे मैचेस में। एक सॉलिड हार्डवेयर वाले स्मार्टफोन से आपका गेमिंग स्किल अचानक से इंप्रूव हो जाएगा ऐसा तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली फर्क पड़ेगा और ये फर्क मुझे नोटिस हुआ है। गाइस मैं पबजी में नूब हूँ, लेकिन जब भी टाइम मिल जाता है मैं TDM मैचेस खेल लेता हूँ क्योंकि टाइम कम लगता है। तो कल मैंने पोको X3 Pro सेटअप करने के बाद TDM मैच खेला, मजा आया, एक और मैच खेला, मजा आया, एक और मैच खेला, 4-5-6 मैचेस खेलता गया रात को, और फिर सुबह उठकर सबसे पहले, अब समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ₹15-16-18,000 के स्मार्टफोन में आपको ज़्यादातर स्मार्टफोन में स्मूथ अल्ट्रा सेटिंग्स ही देखने को मिलेगा पबजी में, लेकिन पोको X3 Pro में स्मूथ के साथ एक्सट्रीम, बैलेंस्ड के साथ एक्सट्रीम, HD के साथ एक्सट्रीम और HDR के साथ भी एक्सट्रीम ऑप्शन मिल जाता है, और साथ में आप अल्ट्रा HD सेटिंग्स के साथ भी गेम खेल सकते हो। इस मैंने 60 FPS गेम प्ले रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्ड करते वक्त गेम खेलने में मुझे किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, किसी तरह का कोई भी इशू नहीं हुआ, यानी आप बिंदास अपना गेम प्ले रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हो। और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। गेमिंग के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन और दूसरे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में जानना ज़रूरी है, लाइक डिस्प्ले कैसा है, आउटडोर विजिबिलिटी में कोई इश्यू तो नहीं है, इन हैंड फील फ़ोन का कैसा लगा मुझे, फ़ोन गर्म तो नहीं होता, हीटिंग का इशू तो नहीं है, स्पीकर डुअल तो ज़रूर है लेकिन आउटपुट में क्लैरिटी है या नहीं, कैमरा 48 मेगापिक्सल के कैमरे से आप कैसा शॉट्स ले सकते हो। गाइस बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस वीडियो में बताऊंगा, वीडियो एंड तक देखना, अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। सबसे पहले बॉक्स के कंटेंट के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। आपको बॉक्स के अंदर एक सिम इजेक्टर टूल मिल जाएगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा, एक ट्रांसपेरेंट केस मिलेगा जो कि फ्रॉस्टेड नहीं है, जिस तरह मैं नोट 10 प्रो मैक्स में देखने को मिला था। जो कलर मैंने खरीदा है ये स्टील ब्लू कलर है, 6GB रैम, 128GB स्टोरेज, ₹19,000 का, ₹1,000 का ICICI बैंक का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। एंड गाइस साथ में आपको एक टाइप सी केबल मिलेगा डब्बे में, और एक 33W का फास्ट चार्जर। पोको X3 से बहुत ही मिलता जुलता डिज़ाइन है, आप ऑलमोस्ट कह सकते हो सेम टू सेम है, चाहे बटन्स के पोजीशन हो, बैक का डिज़ाइन हो, जो भी है सब कुछ सेम टू सेम है। सिर्फ पोको X3 में जो बोथ साइड में आपको ग्लॉसी पार्ट दिख रहा है ना, ये सिर्फ मैट फिनिश्ड हो गया है पोको X3 Pro में। दिखने में पोको X3 से बेटर लगा मुझे, बट स्टिल पोको X3 का डिज़ाइन एंड लुक मुझे पसंद नहीं आया। मैं रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स यूज़ कर रहा था, दोनों सिम मेरा मैक्स में लगा था, और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं X3 Pro में अपना दोनों सिम डालूं। आखिर शो ऑफ भी कोई चीज़ है। पोको X3 एंड X3 Pro दोनों दिखने में काफ़ी सिमिलर स्मार्टफोन है, एंड दोनों का वेट, इन हैंड फील भी काफ़ी सिमिलर लगेगा, इवन वेट और थिकनेस भी काफ़ी सिमिलर लगेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात बता दूं, पोको X3 10.08mm थिक है और X3 Pro 9.4mm। वेट पोको X3 का 225 ग्राम्स था और X3 Pro का 213 ग्राम। बट स्टिल पोको X3 Pro भी X3 जैसा हैवी एंड बल्की फील होगा हाथों में। एंड गाइस बटन, सिम ट्रे, दूसरे पोर्ट्स भी सेम टू सेम पोजीशन में आपको देखने को मिल जाएगा दोनों स्मार्टफोन में। गाइस मेरे लास्ट डिवाइस यानी नोट 10 प्रो मैक्स में ट्रिपल सिम कार्ड का स्लॉट था, 2 सिम कार्ड के साथ मैं एक माइक्रो SD कार्ड भी यूज़ कर सकता था, लेकिन पोको X3 Pro में X3 जैसा हाइब्रिड सिम स्लॉट आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन एक बात मुझे अच्छी लगी, सेटअप के बाद मुझे नोट 10 प्रो मैक्स में जितने ब्लोटवेयर और अनवांटेड ऐप्स दिखे थे, इतने मुझे पोको X3 Pro में देखने को नहीं मिला। बट डोंट वरी, आप कुछ अनवांटेड ऐप्स को अनइंस्टॉल कर सकते हो अपने डिवाइस से। एंड एक और बात, आउट ऑफ द बॉक्स आपको पोको X3 Pro में एंड्रॉइड 11 बेस्ड MIUI 12.0.4.0 देखने को मिल जाएगा मार्च के सिक्योरिटी पैच के साथ। डिस्प्ले का ऐसा है कि रिसेंटली मैंने Realme 8 Pro यूज़ किया, उसके बाद Note 10 Pro Max में स्विच किया, और अब पोको X3 Pro यूज़ कर रहा हूँ। सीरियसली मैं सुपर AMOLED डिस्प्ले मिस कर रहा हूँ, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा, बस अपना फीलिंग बता रहा हूँ, आपको भी ऐसा फील हो सकता है, काश इसमें सुपर AMOLED डिस्प्ले होता। X3 Pro का LCD डिस्प्ले बुरा नहीं है, इनडोर में कोई दिक्कत नहीं है, डिस्प्ले ब्राइट है, ब्राइट एनफ कह सकते हो, बहुत ब्राइट नहीं है बट ब्राइट एनफ है, विंग एंगल्स अच्छे हैं, वीडियो देखने में मजा आएगा, 6.67 इंचेस का फुल HD+ डिस्प्ले, ऊपर से डुअल स्पीकर, गेम खेलने में, मूवीज देखने में, वीडियोस देखने में मजा आएगा, और साथ में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है। लेकिन डायरेक्ट सनलाइट के नीचे जब मैं आज गया ना, धूप में डायरेक्ट सनलाइट के नीचे, तो फिर मैं नोट 10 प्रो मैक्स मिस कर रहा था, क्योंकि जो ब्राइटनेस मुझे मैक्स में दिखा या फिर रियलमी 8 प्रो में दिखा, वो
एक्सपीरियंस मुझे इस स्मार्टफोन के साथ नहीं हुआ आउटडोर में डायरेक्ट सनलाइट के नीचे। तो इस नए गेमिंग स्मार्टफोन में आपको IP53 सर्टिफिकेशन, वाइड वाइन L1 सर्टिफिकेशन, करियर अग्रीगेशन एंड आयर ब्लास्टर का सपोर्ट मिल जाता है और साथ में डुअल स्पीकर भी मिल जाएगा। डुअल स्पीकर का कुछ सैंपल सुन लिया जाए। परफॉर्मेंस की अगर बात करूँ ना तो फोन मुझे क्विक एंड फास्ट लगा, बट स्नैपड्रैगन 860 यानी 7 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर अगर ऑक्सीजन ओएस या रियलमी UI के ऊपर होता ना तो फोन ज्यादा फास्ट फील होता है, ऐसा मुझे लगता है। डे टू डे यूजेज में आप कोई कंप्लेन नहीं करोगे, लेकिन स्नैपड्रैगन 860 के साथ जिस तरह का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए था ना, जिस तरह का परफॉर्मेंस आपको फोन में दिखना चाहिए था, वैसा मुझे कहीं ना कहीं मिसिंग लगा। यूजर इंटरफेस की वजह से यूजर एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं अप टू द मार्क नहीं लगा मुझे, और मुझे सीरियसली लगता है कि MIUI को ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है। गाइस UI की वजह से शायद फोन आपको इतना पावरफुल, इतना ज्यादा फास्ट ना लगे, लेकिन गेमिंग के वक्त आप बोलोगे सही है बॉस। कॉल ऑफ ड्यूटी में ग्राफिक क्वालिटी वेरी हाई और फ्रेम रेट मैक्स तक सेट करके आप गेम खेल सकते हो, गेम खेलने में आपको बहुत मजा आएगा। एंड हीटिंग के बारे में एक चीज बता दूं, मैंने टेम्परेचर चेक किया था, 35-36 डिग्री के आसपास था फोन का बॉडी टेम्परेचर, और एक घंटा पबजी खेलने के बाद मैक्सिमम टेम्परेचर मैंने नोट किया 43-44 डिग्री के आसपास। लेकिन गाइस एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, जितना गर्म फील हो रहा था ना फोन, इतना ज़्यादा फोन गर्म नहीं हुआ था, यानी आपको ऐसा लगेगा फोन बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर मुझे दिखा था 43-44 डिग्री के आसपास, लेकिन फोन बहुत ज़्यादा गर्म फील हो रहा था, यानी आप कह सकते हो ओवर हीटिंग नहीं है लेकिन फोन गर्म जरूर हो रहा है। ओप्पो X3 एंड X3 प्रो दोनों स्मार्टफोन में 33 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है, लेकिन बैटरी कैपेसिटी में थोड़ी सी कमी की गई है। ओप्पो X3 6000 mAh की मैसिव बैटरी ऑफर करता है और X3 Pro में 5160 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। बैटरी लाइफ कैसा एग्जैक्टली आपको देखने को मिलेगा 2 दिनों के अंदर मैं एक्चुअली जज नहीं कर पाया, तो इस पर टिप्पणी करना सही नहीं होगा। बाकी मैं 2-3 दिनों के अंदर फुल बैटरी ड्रेन और चार्जिंग टेस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अगर आपने पहले पोको X3 यूज किया है और अब X3 Pro परचेज करने का प्लान कर रहे हो ना, तो एक और डिपार्टमेंट में आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, वो है कैमरा। पोको X3 64 MP का क्वाड कैमरा सेटअप ऑफर करता है और X3 Pro में आपको 48 MP का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। बाकी सेल्फी शूटर दोनों में 20 MP का देखने को मिल जाएगा। गाइस मैंने दोनों स्मार्टफोन से कुछ साइड बाय साइड सेम फोटोज क्लिक किया है, ये कैमरे का रिव्यू नहीं है, बस आपको समझाने के लिए कि पोको X3 Pro का कैमरा कैसा देखने को मिलेगा, कुछ शॉट्स ले लिया है। तो गाइस कुछ शॉट्स छोड़िए, एक ही फोटो से आपको बात क्लियर समझ में आ सकती है कि पोको X3 का कैमरा बेटर है। ओवरऑल जो पिक्चर की क्वालिटी है ना, डिटेलिंग, शार्पनेस, कॉन्ट्रास्ट या डायनेमिक रेंज, पोको X3 का बेटर है। मैं पिक्चर को जूम करके भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। कलर टोन की बात करूँ तो अगेन मुझे पोको X3 का कलर ज्यादा बेटर लगा, थोड़ा सा पंची है लेकिन अच्छा लगा मुझे। ओवरऑल जो क्वालिटी है ना वो पोको X3 की ज्यादा बेटर लगी। ब्लर इफेक्ट और एज डिटेक्शन में दोनों स्मार्टफोन ओके लगा मुझे, कोई कंप्लेन नहीं है। पोको X3 Pro का कैमरा बुरा है ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आपने पोको X3 यूज किया है और आप अपग्रेड कर रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि कैमरा में आपने अपना डिवाइस डाउनग्रेड कर लिया है। ऐसा नहीं कि X3 Pro का रिजल्ट बुरा है, लेकिन X3 ज्यादा बेटर है। सेल्फीज के लिए मुझे पोको X3 Pro ज्यादा बेटर लगा। ओवरऑल जो क्वालिटी है ना वो X3 Pro की ज्यादा बेटर है। स्किन टोन, टी शर्ट का कलर ज्यादा बेटर लगा, शार्पनेस, डिटेलिंग X3 Pro की ज़्यादा बेटर है। लेकिन एक छोटा सा इशू है जिसे मुझे लगता है कि सॉफ्टवेयर से फिक्स किया जा सकता है। जब लाइट का सोर्स पीछे से है ना, यानी पीछे से रोशनी आ रही ना, तो उस सिचुएशन में वाइड बैलेंस पोको X3 Pro का बिगड़ गया। साथ में मैंने कुछ वीडियोस भी दोनों स्मार्टफोन से रिकॉर्ड किया है, शेयर कर रहा हूँ। आप लोग डिसाइड करो किसकी वीडियो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लगी। पोको X3 Pro 1080p 30fps। पोको X3 Pro एक नया डिवाइस है, तो मुझे लगता है कि 2-3 सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद डेफिनेटली कैमरा हो या फिर परफॉर्मेंस हो, ओवरऑल इसमें हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। गाइस एक और बात, म्यूजिक सुनते वक्त, गेम खेलते वक्त या फिर वीडियोस देखते वक्त स्पीकर जब आप थोड़ा सा बढ़ाते हो ना, यानी लाउड करते हो, तो आपको पीछे बैक साइड पे एक वाइब्रेशन फील होगा जो कि बहुत ही ऑकवर्ड लगेगा। पोको X3 1080p 30fps।
सिक्योरिटी सिस्टम यानी फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक दोनों में मुझे कोई इशू देखने को नहीं मिला, दोनों ही फास्ट एंड एक्यूरेट लगा। स्पेशली फिंगरप्रिंट मुझे पोको X3 से ज़्यादा क्विक लगा X3 प्रो का। गाइस अगर 20,000 रुपये में आपको एक ऑलराउंडर फ़ोन चाहिए ना, लुक एंड डिज़ाइन, स्लिम बॉडी, बेटर कैमरा, बेटर डिस्प्ले, नोट 10 प्रो मैक्स ले लो। और अगर आपको चाहिए परफॉर्मेंस एंड गेमिंग तो पोको X3 प्रो ले लो। गेमर्स के लिए अल्टीमेट फ़ोन है ये, इस प्राइस सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट है गेमिंग के लिए। कोई भी स्मार्टफोन परफेक्ट नहीं है, अपने प्राइस सेगमेंट में कोई ना कोई उस डिवाइस में आपको कमी देखने को मिल ही जाएगी। तो इस डिवाइस में भी कुछ ना कुछ कमी है, बट कोई भी कमी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से मैं ये बोलूँ कि ये डिवाइस आप स्किप कर दो। बाकी अगर आप ये फ़ोन परचेज करने का प्लान कर रहे हो और आपके मन में कुछ सवाल है तो आप प्लीज़ पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे सवालों का, सारे क्वेश्चंस का आंसर लेकर एक वीडियो में आ जाऊँ, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और फ्यूचर में ऐसे वीडियोज़ देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।